रास्ता कहाँ से निकला? तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दो दिन मास्क पकड़ लिए, पहले ट्राई करेंगे कि हेडी चौक भी जाएं, करंट सिचुएशन जो है वो चेक करते हैं और आपको भी उससे आगाह करेंगे। चला गीला हुआ है, नीचे से तशरीफ सूखी है, ये अच्छा है। मुश्किल आ रही है बहुत। रोड की सूरत हाल देखिए, आवाम ने बट्टे मारे हैं। मेरे पर से फिर क्या शुरू हो गए ये जनाब, चाह और ये मौसम। टाइम ट्रैवल करके सीधा हम आके वजह अपनी गाड़ी के अंदर चौकी नहीं है, पहले घुमा ले। एक वो है, एक ये लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, नीचे से नहीं है वो, राइट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं वो फोर्स के खड़े सारे बेचारे। नजला, जुकाम, खांसी। सर्दियों के मौसम में 10 लाख बच्चों को नजला जुकाम की बीमारी किसने लगाई? ये जरा पर्दे शर्दे हटा ले, थोड़ी सी लाइटिंग अच्छी हो जाए। जनाब अजान हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सुन भी लिए। फिर सीन्स के भाई, जस्ट ट्राइंग टू बी अ डेली व्लॉगर, क्योंकि हमने अपना जो लास्ट व्लॉग अपलोड किया ना वो तकरीबन हफ्ते का व्लॉग बना था, हफ्ता एक उस पर मुझे एडिट करते लग गए और हफ्ते बाद जाके पोस्ट किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो वो काफी खैर लंबा टाइम खींच लिया हमने, लेकिन अभी हम ट्राई करेंगे दोबारा से डेली व्लॉगिंग करने की। सीन्स के सीन्स दिस के आज का व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज है अपना सैटरडे, सैटरडे इज अ ऑफ डे, तो ट्राई करेंगे कि आज के व्लॉग को आज ही बनाएं, एडिट करें और आज रात तक नहीं तो सुबह तक अपलोड कर दें। सिग्नल्स नहीं आ रहे, इस्लामाबाद के रहायशी जो है, इस्लामाबाद और पंडी के जो रहायशी, उनको पता होगा कि वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे। मसले मसाइल चल रहे पीटीआई वालों के, आर्मी जो है वो रात की नाफिज हो चुकी है। रात को आपका भाई लाइव आया था घर की छत से, क्या आपको कुछ दिखा सकेंगे कैसे मामला हैं इस मुल्क के, जो मामला से मैं आप लोगों को आगाह नहीं कर सकता, लेकिन आपको पहले करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब कैसे ठीक ठाक बेहतरीन मजेदार होंगे। तो जनाब अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जाकर लाइक कर लें, इंस्टा पे भाई को फॉलो भी जरूर कर लें। उठाओ नया धोए हूँ, फ्रेश अप हो गए हैं और नजले जुकाम ने अपनी तबीयत की बहुत लगा के रखी हुई है। सब सीन्स ऐसे हैं कि सीन्स कुछ भी नहीं है, कि सीन्स सब कुछ ही है कि क्या बताएं। नाश्ता नाश्ता करते हैं, नाश्ता तैयार है, बेगम साहिबा बुला रही है, तो आए चल के आपको आज का नाश्ता चेक कराते हैं। आज नाश्ते में क्या मिलेगा अपने को, देसी वलायती, तो बस नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आज के दिन का आगाज करते हैं। तो लेट्स गो एंड हैव ब्रेकफास्ट। तो स्टार्ट हो गया मेरा, क्या है इसमें, ये आ गई मेरी सबसे पहले काफी, ये आ गया जनाब ऑमलेट जो कि लोडेड है। क्या क्या बेगम साहिबा इसमें, मीट लॉफ डाला, कौन कौन सा क्या, बच्चों में कौन सी खिलाती रहती है यार। मौत को छू के अक्स वापस आ सकता है। ये आ गया जनाब, खैर ये बेहतर है, मशरूम भी इसमें मौजूद है, चीज इसमें होगी होगी, आए आपको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्रेड लेते हैं। ये चीज किधर है, ये पापा, ये प्रैंक होगी, चीज है भाई साहब, मेल्ट नहीं है सही से। ये पहले नवाले में मशरूम आ गए, मजा आ गया भाई साहब, आप भी खुद कह रहे माशाल्लाह। जरा बस नाश्ता वाश्ता कर लें, आपसे भी मिलते हैं नाश्ते के बाद। कॉफ़ी कैसी, कॉफ़ी कॉफ़ी, हाँ हाँ हाँ, कॉफ़ी पीने से ज़्यादा सूंघने का मतलब। अब यहाँ पे आपने मीम नहीं लगा देने कि भाई आपका सूंघने वाले काम करता है, नाक बंद है इसलिए। A few moments later. Guys, hello guys, welcome to my YouTube channel. आप सीन्स क्या है, मौसम गेटिंग वेरी गुड गुड, खूबसूरत भाई साहब। ये वाली 70 अपनी निकालेंगे हम, 70 पे जाने लगे हैं। थोड़ा घर के अंदर इजी होकर बात कर लेते हैं। खैर मेरे हाथ में दो मास्क है, दो दिन मास्क पकड़ लिए। सीन्स ये है कि पहले ट्राई करेंगे कि डी चौक भी जाएं, आपको डी चौक के सिनेरियो सिचुएशन, करंट सिचुएशन जो है वो चेक करते हैं और आपको भी उससे आगाह करेंगे। तो बस निकलते हैं। आप तो मेरी आवाज़ आती होगी,
इतने सुकून के इस्लामाबाद देख के डिप्रेशन हो रहा है। इतना सुकून और खाली आज तक नहीं देखा। काशी बंदे जिन्होंने के पी के से आना है वो तो सिर्फ मोटर ही पड़ती है, वहां से आ ही नहीं सकती है। चेक कर रहे हैं भाई, ऊपर से मौसम भी प्यारा हो रहा है और वो आपको स्मोक नजर आ रहा होगा। ये शेलिंग शेलिंग आज दिन के टाइम में भी हो रही थी। जनाब हम देख रहे हैं। ऐसा जॉगर पहनने का मकसद है, जॉगर की पहने ताकि कहीं पे भागना पड़े तो हम आराम से भाग सके। खोलो जी खोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई, बैग ही लगाया आपने? रखो। किधर जा रहे हो? धरने पे। तो बैग तो रख दो ऑफिस में। ऑफिस? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम डी चौक में हमारा ऑफिस है। इट्स नॉट सेफ। या ओके। अभी आते मैंने रास्ते में सिचुएशन दिखाई है, वहाँ डी चौक की तरफ जा रही है, तो हम पहले डी चौक जाते हैं, आपको वहाँ की सिचुएशन हालात वाकया चल रहे हैं वो दिखाते हैं, क्योंकि शेलिंग आज दिन के टाइम पे भी हो रही थी यहाँ पे, तो ये कि दिन में भी शेलिंग चलती रही है। और सुने के अपने बॉस लोग जो हैं वो भी तैनात कर दिए हैं रात 11-12 बजे के बाद, तो चल के थोड़ी सी अपडेट लेते हैं आज के। बस व्लॉग अपडेट देने के लिए सोचा था कि क्या करें, क्या किस पे व्लॉग बनाया जाए, तो फिर अंदाज़ा है कि आज अपने तो घर के पास सारी सिचुएशन चल रही है, आप लोगों को जाके सिचुएशन चेक कराते हैं। चले जी। अबे 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 साले, अबे ओ टूट गई। हाँ चाबी टूट गई है यार, पहली वो सुराख करके लगाई थी। बनवाई थी इसकी मैंने दो चाबियां और पता नहीं किधर गई। और क्या फायदा है तब भाई, मोटरसाइकिल की चाबी वापस भी जाना है इस पे। मामला चेक करें, आग लगी है, थोड़ा सा नेड़े जाके देखते हैं जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। बस दुआ में याद रखें। तो बॉर्डर पे जा रहे हैं? बॉर्डर से कम भी है ब्रो। आग लगाई आगे कंटेनर पड़े, आगे कंटेनर पड़े हैं, ऊपर से हो जाना, ऊपर से फिर क्या। ये भी गिरा रहे वो कंटेनर जो ठोक रहे। कह रहा मौसम में भी तेरे इंतजार कर रहे हैं आपको, इंटीरियर मिनिस्टर को बुला रहे आगे सारी मुझे नजर में भी नहीं आएगा। ओए भाई साहब वहां पर भी आग लगा रहे। वो क्या फेंके कंटेनर खोल दे यार, आज केक तो आते ना मेरा काम कोई नहीं चाहिए जो पहले तो शेल मारे शेल का स्मोक मुश्किल आ रही है बहुत। हेलमेट पहनने पे भी उसका मास्क चढ़ा ले, बहुत मुश्किल आ रही है, पकड़ बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। ये पकड़ स्पेशल तो मास्क नहीं है। हाँ मैंने मास्क शास पहने हैं, मास्क आँखों तक चढ़ा लेंगे, आँखों का बुरा हाल हो रहा है, मेरी भी लाल हो गई। ऐसी में आएगा मरना तेरे को डर नहीं लगता? इधर एक बंदा मिला, कहता इधर क्या खड़े हो, आ गया शाशा जी।
ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੂ ਨੇ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੂ ਨੇ। ਗਾਲ ਮੇਟਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਆ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗੀ ਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਆ ਸੁਣ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੋਈ ਕਾ ਜ਼ਾਤ ਕਰਾ ਦੇ ਤੱਪੇ ਚਲਾਏਗਾ ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਦੇ ਦੇ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ये सूरत है भाई जान कयान देख के अमल जी रोड बंद रोड में सूरत है देख के अल्लाह माफ करे जान में عوام نے مٹے مارے ہیں یہ میرا ٹینک میں نہیں ہے میرے شہر کو پیارا کرے یہ تو بورڈ بورڈ گرا دیا ابھی راستے میں پڑا ہے पहले अफसोस कर रहा हमारे दोस्त में क्या हो रहा है एंड पे कहता कमला चुप कर ले बोले कहीं सारे जो है मास शास पहले फिर रहे निकाब में ये निकाब सही है ना और कैसे चलेगी उधर हटा रहे इमरान खान इमरान खान तारे वाजरे कौन बचाएगा पाकिस्तान किया तुमने कान वाले ने ले क्यों लेके आ रहे प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं यहाँ प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं डंडे लेके आए उधर घूमे उधर चेक करो ना उधर सलाम पूरी देंगे यार देखिए यकीन माने अफसोस हो रहा है इस्लामा की सड़कों पर ये सीन देखते रोड पार से आवाज लग रही इमरान खान आंटी हमारे करीब में गुजरी तो कहती है जिंदाबाद तो आगे से टपा लेते ना रास्ता मिल गया चलो तो अब जमीन से उठते कुछ मीठा खा ले यही तो मुझे दुख हो रहा है मेन रोड पे चलते हैं भाई साहब क्लेशन ने पकड़ी है गार्ड पे और चलते जा रहे उतरने पड़ेगा कहाँ था तुम इसे उतार दो भाई साहब रास्ते बंद किए हैं दुश्वारियां हो रही है रास्ते क्रॉस करने में देखें तो भाई साहब एक रास्ता इस आवाज का 0.2 आरपी रास्ते जो है ये रास्ता कहाँ से निकला था ये बारिश के इम्कान बन रहे खैर हम आए इधर अपनी सर्विस सर्विस कराने हैं भाई साहब गड्डी हो रही है इसका रंग रोगन होगा मैंने मेरे लगे हाथों अपनी खत करा लेते हैं बाइक पे हाथ हो गए हम जाना ही है बेहतरीन किस्म की बारिश हो रही है बारिश भी ज़रूरी है ताकि जो फ्लू श्लू गले खराब है ये भी ठीक हो जाएंगे और जब क्या करें चला भाई साहब ओले पड़ना शुरू हो गए खानों
मेरे भाई गए चाय का ऑर्डर देने बैठा गया कैसे आती वहाँ पे बैठ के पीछे नजारे लेते लेते फिर ओले शुरू हो गए बारिश ये जनाब चाह और ये मौसम मौसम वेरी वेरी ऑसम गाइस टाइम ट्रैवल करके सीधा हम आके वजह अपनी गाड़ी के अंदर क्यों आए हैं आपको अपडेट देते हैं बाद में चलना सीन्स ऐसे हैं कि पहले गाड़ी को थोड़ा सा हीटर शीटर दे रहे हैं जैसे आपको बताया कि अपने एक फ्रेंड की शादी है उधर जाना है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है चेक करें तो अल्लाह अल्लाह करके भीगते हुए घर पहुंचे तो जनाब सीन्स के अपने अहमद साहब को बोला बोली गाड़ी निकाले उन्होंने वो गाड़ी निकाल दी है और हम ये गाड़ी निकालेंगे बुआ शुआ फेर साथ ही अनलॉक हो जाती है यार चेंज कराएंगे खैर सीन तो आपको बता रहा था कि सीन इस दिस के हम लोग जो है ठीक छीक चुके हैं चंगे पले और भीग के आ गए थे तो अब घर आए घर आके गाड़ी उठा रहे हैं मैं तैयार शार हो गया शलवार कमीज चढ़ा ली है और अब अहमद साहब जो हमारे यार लेफ्ट हाथ से 100 अहमद साहब ने जो है तैयार होने तो पहले उनके घर जाएंगे वो अपने घर जाके तैयार होंगे और फिर उसके बाद हमारी अगली हसल स्टार्ट होगी क्योंकि जिधर जाने हैं रास्तों का बड़ा इशू है रास्तों का बहुत ज़्यादा इशू है भाई साहब रास्ते हर तरफ से हर लिहाज से बंद है तो वो बस अल्लाह तवक्कल ही जाना है खैर क्योंकि लोकल है अंदाज़ा है कहाँ कहाँ से जा सकते हैं कहाँ कहाँ से नहीं तो बस निकलेंगे निकलेंगे तो आपको भी रास्ते में अपडेट दे देते हैं कि क्या सिनेरियो है बस जाते हैं रोटी पानी खाते हैं वहाँ पे शादी पे जाके सलामी सलामी दे दाला के पे वापस निकल आएंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह ऐसी वो थंडर स्टॉर्म आई है ना ये क्या ही बताऊँ जनाब बस अहमद साहब आ रहे हैं बैठते हैं तो बस हम भी निकलने नहीं करते ऊपर ऊपर से चंगा गीला हुआ है नीचे से तशरीफ सूखी है ये अच्छा है तो बस निकलते हैं अहमद साहब कपड़े चेंज करेंगे उसके बाद फिर आगे पत्ती वाले आपसे फिर एक बात शेयर करें कसम से ऐसे सूरत हाल होगी लग रहा है कि पता नहीं स्टोन एज में आ गए तो पेट्रोल पंप पे गए कार्ड लगवाना था वो कहता भाई कार्ड नहीं चल रहा जाहिर है इंटरनेट ही नहीं है सिग्नल ही नहीं है तो कार्ड कैसे चलेगा अब एटीएम आए एटीएम लगाने गए मैं सब क्योंकि उसके कपड़े जरा गीले हुए हैं तो मैंने कहा भाई तू जा मैं नहीं उतरा गाड़ी से वेन्यू में जाके उतरूंगा और बहुत हैवी भाई साहब जो बिजली चमक रही है बहुत हैवी किस्म की चमक रही है बारिश हैवी किस्म की हो रही है बस अल्लाह पाक हिफ्ज़ो अमान में रखे और जिस बेटी बेटी की अपनी दोस्त है लेडीज फ्रेंड है उनकी बारात है बस अल्लाह खैर वाफियत से कर ले क्योंकि भाई साहब लड़की वालों को टेंशन अपनी लगी होगी और लड़के वाले पहुँच जाए खैर वाफियत से टाइम और टाइम ना सिग्नल्स है ना कुछ है रबते नहीं होंगे जो दूर दराज से आए होंगे गूगल मैप नहीं चलेगा वो नहीं पहुंच सकेंगे इतने हम लोग डिपेंडेंट होंगे इस इंटरनेट पे कि लाइफ बहुत इजी बना ली है लेकिन बहुत मुश्किल हो चुकी है पानी इधर आ रहे भाई साहब बंद नहीं हो यहाँ पे हम जरा डीजल अप करा रहे 247 का हो गया और वो चेक करें आपको चुपके से नज़ारे चेक करा तो वो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं वो फोर्स के खड़े सारे बेचारे बारिश लगी है वो बेचारे सारे पीएसओ के ऑयल चेंज के अंदर घुस के रेस्ट मार रहे होंगे कमर की ऐसी की तैसी हो गई है क्या ही बताऊं बस अपने फ्रेंड के घर पहुंचे वो अंदर गए कपड़े शपड़े चेंज करके आते हैं तो फिर निकलते हैं सर में बहुत शदीद हेडेक हो रहा है और पता नहीं क्यों हो रहा है एकाएक हो रहा है लेकिन हो रहा है खैर आपसे जरा एनर्जेटिक होकर बात करेंगे वरना आप लोगों ने चैनल भाई का सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो भाई आप बोल रहे हैं एनर्जी से और एनर्जी से मेरी बात सब सुन लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो इंस्टा पे भाई को फॉलो भी कर लो आई रिक्वेस्ट आई इंसिस्ट प्लीज कर लो थैंक यू ओके बाय तो बाय सुन तो नहीं रहा था मेरे को नजर कुछ ही आ रहा फुल जेड ब्लैक गाड़ी का ये फायदा सीधा जा एक और रास्ता है कितने कटे पड़ा ये सारी वाल उधर जा रही है इधर सारे वापस आ रहे हैं चेक कराते हैं
ऊपर बड़ा हुआ है, ऊपर के ऊपर है, नहीं नीचे बावे डबल डबल। नीचे से नहीं है, नीचे से पीछे से नहीं, ऊपर वाली बस काट रहा है। ऐसे बाद में खींचू कंडे में टट्टा पालो यहाँ से। नहीं वो बाइक जा रही है, नहीं जा रही है। जाते दिवालियां ए भाई साहब, कौन फकीर गा रहा है माँ? छह रेडियो बंद कर दे। यार तेरा मेरा रैप कितने चेक कर भाई साहब, पहुंच गया है मार्की फाइनली। जनाब पार्किंग किए खुशके पे, उधर पानी पानी है, चेक करें। बाकी बाल छाल अपने बना लिए, गाड़ी में बैठ के भी क्रीम लगी और ज्यादा लगी। खाओ माँ कसम। आती रोटी शुरू हो गई, रोटी छोटी खाइए, आप अपने मानी भाई मिले। सर सर शुक्रिया सर। है जी आते ही बस अपना मेन काम करें और घर घर चले, जिसकी खातिर शादी आए वो करे और घर निकले। ये भाई साहब डाल लिया माल मुद्दा, एक कबाब, एक मलाई, एक रोटी, चावल चावल कर सकते। और नेक्स्ट कोला इधर अपने पास मौजूद है, जूस भी अपनी जगह, लेकिन ये लाजमी जी क्रिस्पी फलूदा भाई। खूबसूरत भाई हमारे यहाँ फिर रोटी पानी खा लिया, मतलब रोटी पानी खा चुके हैं, जल्द जल्द से मिला था कि मिल ले, और अब बस निकलने की तैयारी में। बस अपने फ्रेंड आपको वॉशरूम वॉशरूम लिए, वॉशरूम लिए, वॉशरूम वगैरह से आते सारे इकट्ठे होते, टाटा बाय बाय करते हैं, घर चलते हैं, घर जाके फिर ब्लॉग करेंगे। सलाम अलैकुम। ये चेक करेंगे आप। ये भाई साहब ने सारा टाइम हमारा जाया किया, तस्वीरें बनवा बनवा, वीडियो बनवा, कपड़े चेक करो यार, कपड़े चेक करो, अपनी मेहंदी छोड़ के आया। ये अपनी मेहंदी के इवेंट से उठ के आया, ऐसे कपड़े पहन के। ये हमारी गाड़ी, ये खड़ी है चुप करे यहाँ पे, हम बोल रहे हैं भाई साहब हम रॉन्ग वे जा रहे हैं ऑल द वे, क्योंकि वो साइड आगे से बंद है, हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है और रास्ता ही बंद है। अंदर की बत्ती ना बाहर बाहर नजर कख नहीं आता। जनाब जा रहे हैं अल्लाह खैर, जहाँ तक जा सकते हैं वो आगे भी गाड़ी जा रही है। यहाँ पे भी सारे यूटन मार रहे हैं, ये कंटेनर है, अब जरा नजदीक से जाके हम भी देख के आएंगे। चौकी नहीं पहली घुमा ली। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। चल जी यूटन मारे, लेट हो गए सब, बंद है सब कुछ। अब अपने एक बशिंदा डॉगर साहब भी अपने साथ साथ है, यहाँ से टपा ना नहीं तेरी डाल नहीं कुछ से यहाँ से। आधी रात में कितने घूम रहे हो तुम लोग, बदमाशी होती आधी रात में तुम्हारी। देखेंगे एक वो है, एक ये लेफ्ट टायर पे आ रहे हैं, नीचे आ जाएगा, नहीं आता नहीं आता, तुम रिवर्स भाग। एक ही गाड़ी मशीन खोल, चलो जी तुम्हारी मार्केट बंद, खत्म, चलो चलो बदमाशी खत्म कर दो। कि बताइए इधर आइए, चले ये चले रे सब कार सब पा जा तू मेरे आप पुत्रा। अरे देखो फिर आ गया, फिर दिन से मार गाइस। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ये अल्लाह हाफिज़ करने बस सो गए थे, लेट गया था, फिर याद है कि व्लॉग को तो एंड किया नहीं, तो व्लॉग को करने लगे भाई साहब यहाँ पे एंड। मेरा जो आज का व्लॉग आप लोगों के लिए पेशकश था वो था इस्लामाबाद के हालात, जो डीजल में चल रहा है, शेलिंग चल रही है, जो मामला चल रहा है, उसके बाद भाई साहब हम लोग चले गए खतरा और अनएक्सपेक्टेड कोई बारिश का सीन था, बारिश ऐसी जोरों की हुई है, ओले पड़ रहे भाई साहब, उसके बाइक पे घर पर चलने लगा गया, और वहां पर लगी ठंड, ऐसी बेहतरीन ठंडी ठार हवा चल रही थी कि क्या ही बताऊं। ठंड हो गई यार भाई, ठंड हो गई है, ठंड लगी भाई, अपनी तबीयत खराब हो गई, अभी भी बहुत सख्त तबीयत खराब है, लेकिन उठे के ब्लॉग को एंड करने वाला आउटडोर अपना रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे भी गए थे, एक दिन में हमने तीन तीन दफा कपड़े चेंज किए, तो बाकी अब वापस उसी सेटअप पे आगे जहाँ से हमने ब्लॉग स्टार्ट किया। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, टिल देन
अपने बहुत सारे ख्याल रखिएगा भाई को, दो में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो ब्लॉग को लाइक, इंस्टा पे भाई को फॉलो कर ले और प्यार प्यार से कमेंट्स कर दिया करें, मोटिवेशन मिल जाती है। मतलब आता होगी नेक्स्ट मंथ, तब टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, नींद नहीं आ रही है।